लक्षद्वीप खतरे में है। एक देशवासी होने की वजह से हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि हम उन सारे मुद्दों को उठाएं जो हमारे प्यारे यूनियन टेरिटरी को खतरे में डाल रहे हैं। तो आप लोग मेरा साथ दें इस सेशन के माध्यम से, ताकि हम लोग लोगों को अवेयर कर सकें कि आखिर जो खतरा लक्षद्वीप जो हमारा यूनियन टेरिटरी है उस पर जो मंडरा रहा है उसे किस तरीके से कम किया जाए, और आखिर वो कौन कौन से खतरे हैं जो वहां पे आज कोलाहल मचा रखे हैं, आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिनकी वजह से आज लक्षद्वीप के लोग खतरा महसूस कर रहे हैं। और इसलिए आज के डिस्कशन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि फिर लक्षद्वीप में वो कौन कौन सी खास बातें हैं जो आज स्टेक पे लगी हैं, जो आज दांव पे लगी हैं। दूसरी चीज, वो कौन सा ऐसा इंसान है जिसको जो इतना कंट्रोवर्शियल हो रखा है कि आज फिल्म अभिनेताओं को उसकी खिलाफत करने के लिए सामने आना पा रहा है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो कौन कौन से एक्ट हैं या कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से लक्षद्वीप आज खतरे में है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। इस सेशन की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आखिर लक्षद्वीप जो आइलैंड है ये कहां पे स्थित। तो अगर हम देखेंगे तो लक्षद्वीप जो है वो भारत का यूनियन टेरिटरी है। नंबर टू, ये एक आर्किपेलागो है जो कि 36 जो आइलैंड्स हैं उनसे मिलकर बना है, और अरबियन सी में यानी कि जो भारत है उसके वेस्टर्न पार्ट में ये सिचुएटेड है। ये एक कोरल आइलैंड है जो कोरल रीफ से मिलकर बना हुआ है, जिसके बारे में आप लोग अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं उसके लिए दूसरा लेक्चर बना दूंगा। तो ये जो कोरल आइलैंड है 36 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है अरबियन सी में, और जिसकी जो पूरी लेंथ होगी वो होगी अराउंड 200 to 440 किलोमीटर, और ये भारत के साउथ वेस्टर्न यानी कि दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है, केरला से थोड़ी दूर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मालदीव का ही एक पार्ट है जो आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो क्या होता है? आर्किपेलागो होता है एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो कि एक साथ होते हैं। अब अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। आप लोग याद रखेंगे ये स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं भारत में वो सबसे छोटा है, जिसकी पूरी की पूरा जो एरिया है दैट इज ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर। आप याद रखेंगे सिर्फ इतना छोटा सा आइलैंड है। और यहां की सबसे खास बात क्या है कि अगर 2011 की हम सेंसस के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से देखें, तो यहां की जो आबादी है वो सिर्फ 64,473 पीपल यहां पे रहते हैं, यानी कि सिर्फ 65,000 के अराउंड लोग रहते हैं। और अभी अगर 2011 से हम बढ़े 70,000 हो गई होगी, इससे ज्यादा तो नहीं हुई होगी। तो यहां के लोग जो हैं वो आखिर जो खतरा महसूस कर रहे हैं उसके पीछे ये है कि ये नंबर वन इकोलॉजिकली बड़ा ही सेंसिटिव एरिया, यानी कि हम अगर एनवायरमेंट की दृष्टि से देखेंगे तो कोरल आइलैंड जो होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अगर हम बात करेंगे इनकी पॉलिटिकल सिचुएशंस की, आखिर इनका जो डेमोक्रेटिक कंडीशन है वो क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये इसमें एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, और इसका जो कंट्रोल होता है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर करता है। कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटर करता है जो कि आर्टिकल 239 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके तहत इसको अपॉइंट किया जाता है। प्रेसिडेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है जो पूरे यूनियन टेरिटरी की देखरेख करता है, पूरी यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है। इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पे जैसे हमारे जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसी तरीके से एक डीएम वहां पे भी है जो कि इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में काम करता है, और पूरा का पूरा वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभालता है, वहां का रेवेन्यू, वहां का लॉ एंड ऑर्डर, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय दिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब ये जो मुद्दा है ध्यान से रखिए, क्योंकि ये सारी बातें आगे आने वाली हैं कि किस तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। इसके बाद हम चलते हैं कि क्या ऐसा कारण रहा होगा जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई होगी। ये हैं दिनेश्वर शर्मा जी। दिनेश्वर शर्मा जो कि बिहार के एक बड़े ही प्रशिक्षित व्यक्ति थे, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर थे, बाद में इनको आईबी का हेड बना दिया गया। इनको इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेड बनाने के बाद
जो हमारा लक्षद्वीप है उसका एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया था, लेकिन बाई चांस इनका 4 दिसंबर 2020 को इनका देहांत हो जाता है। और इनके देहांत के बाद डेफिनेटली कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर यहां पे अपॉइंट किया जाना चाहिए था, और इसलिए सरकार ने बहुत ज्यादा सोचे विचारे बगैर, बहुत ज्यादा टेंशन लिए बगैर, जो हमारे दादरा एंड नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्हीं को यहां का भी एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया, और उनका नाम है प्रफुल्ल के पटेल। ये प्रफुल्ल के पटेल ही हैं जिनकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हो रही है। प्रफुल्ल के पटेल एक ऐसा नाम है जिसका नाम लेते ही बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं, उनको लगता है भगवान ये कैसा इंसान है, क्योंकि जब भी जहां भी रहोगे कंट्रोवर्सी क्रिएट करके रहोगे। जब से ये लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं तब तक इन्होंने तूफान मचा रखा है। अब चलिए देखते हैं कि विकिपीडिया क्या कहता है इनके बारे में। विकिपीडिया कहता है कि 2007 में इनके बारे में थोड़ा सा जानिए, क्योंकि अगर इनके बारे में आप नहीं जानेंगे तो जो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं उसके बारे में भी हम शायद समझ ना पाए। तो ये जो प्रफुल्ल पटेल जी हैं, विकिपीडिया कहता है कि 2007 में ये एमएलए बने थे, कहां पे? गुजरात में। उस समय सरकार किसकी थी? उस समय सरकार थी मोदी जी की, वहां पे मोदी जी वहां के सीएम थे। और 2010 में एक घटना घटती है, अमित शाह जी चिदंबरम साहब की मदद से जेल चले जाते हैं। चिदंबरम साहब ने इनको किसी मामले में, उस समय होम मिनिस्टर थे चिदंबरम साहब, जिसका बदला इन्होंने अभी अमित शाह ने लिया है, तो अमित शाह जी को इन्होंने जेल में डलवा दिया 2010 में। उस समय होम मिनिस्टर हुआ करते थे, और यहां से प्रफुल्ल पटेल जी का भाग्योदय हुआ। प्रफुल्ल पटेल जी के पिताजी आरएसएस के मेंबर थे, और प्रफुल्ल पटेल जी मोदी जी के बड़े ही क्लोज हुआ करते थे, तो इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा दे दिया गया जब अमित शाह जी जेल चले गए, और यहां से प्रफुल्ल पटेल साहब का जो ओहदा है वो उठने लगा और बढ़ने लगा। मोदी जी के क्लोज तो ऑलरेडी ये थे ही। इसके बाद 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो प्रफुल्ल पटेल जी को कोई ना कोई पोस्ट तो मिलनी ही थी, और इस तरीके से इनको दमन एंड दीव का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया, जो कि एक यूनियन टेरिटरी थी। बाद में 2019 में जब दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव दोनों को मिला दिया गया और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो यहां के एडमिनिस्ट्रेटर भी इन्हीं को ही नियुक्त कर दिया गया। लेकिन ये कंट्रोवर्सी से बाज नहीं आए, कंट्रोवर्सी शुरू होती रही, कंट्रोवर्सी इनके आगे पीछे घूमती रही। अब देखते हैं वो कौन सी ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जिनकी वजह से प्रफुल्ल पटेल साहब अच्छे तरीके से जाने जाते हैं। तो प्रफुल्ल पटेल साहब की सबसे पहली कंट्रोवर्सी है कन्नन गोपीनाथ के साथ इनका विवाद। कन्नन गोपीनाथ एक एग्मोट कैटर के आईएएस ऑफिसर हैं, आप लोग जानते होंगे, जिसके साथ कई स्टेट और यूनियन टेरिटरी एक साथ ले जाते हैं, वहां पे आईएएस ऑफिसर हैं, 2012 बैच के हैं। एग्मोट कैटर में होकर ये बंदा काफी कर्मठी है और बहुत ही विवादों में रहने वाला व्यक्ति है, क्योंकि ये ठीक से काम जब तक पूरी तरीके से चेक नहीं कर लेता था, बहुत ही ईमानदार था, तब तक वो आगे बढ़े नहीं, जिसकी वजह से प्रफुल्ल पटेल जी के काम में इंटरफेरेंस लगने लगा। ये दादरा एंड नगर हवेली का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया, पहले पावर डिपार्टमेंट में था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया। और कन्नन गोपीनाथ जो थे, ये विवाद में इस तरीके से आए कि 2019 में जब इलेक्शन चल रहा था दादरा एंड नगर हवेली में, उस समय इलेक्शन कमीशन को इन्होंने कंप्लेन किया कि इनके काम में इंटरफेयर किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने प्रफुल्ल पटेल जी को सीधे सीधा नोटिस भेजा कि आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, आपको इस पता होगा इसके बारे में, आरपीए एक्ट 1951 के तहत अगर आप इलेक्शन की काम में इंटरफेयर करते हैं तो आप इसका उल्लंघन करते हैं। प्रफुल्ल पटेल जी को नोटिस गई और उनसे कहा गया कि बिल्कुल भी आप इंटरफेयर नहीं करेंगे किसी के काम में, लेकिन उसके बाद वो कन्नन के ऊपर दबाव डालने लगे और कन्नन को अल्टीमेटली रिजाइन करना पड़ा। और इन्होंने आखिर क्या कहा था, जरा सोचो,
मजाकिया वाली बात, सबको पता है कि प्रफुल्ल पटेल जी के दबाव में इन्होंने रिजाइन किया था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने, भाई साहब ने कहा कि हम जो कश्मीर में है ना 5 अगस्त को वहां पे हमने आर्टिकल 370 हटाया था, उसके विरोध में, उनके राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के विरोध में मैं रिजाइन कर रहा हूं। गवर्नमेंट उसके बाद इनके ऊपर बहुत सारे डिसिप्लिन एक्शन लेती है, उसके पहले से इनके ऊपर केस चल रहा था। तो ये पहला कंट्रोवर्सी था जो कि प्रफुल्ल पटेल जी के नाम पे आया। लेकिन ये जो कन्नन साहब थे, इनके ऊपर जो डिसिप्लिन एक्शन लिया गया था, इसका खुलासा होने के बाद और ज्यादा प्रफुल्ल पटेल की बुराई होना शुरू हो गई, क्योंकि जो भी डिसिप्लिन एक्शन लिए गए थे, जो इसमें लिखे गए हैं, वो सारे बहुत ज्यादा सीरियस मुद्दे नहीं थे जिनकी वजह से कन्नन को फोर्स किया जा रहा था। अगर कोई फाइल लेट से जा रही है तो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है कन्नन को, गोपीनाथ को, और कन्नन गोपीनाथ सिर्फ इस दबाव में कि अब उसको काम नहीं करने दिया जाएगा, उसने रिजाइन कर दिया। अब अगर हम बात करते हैं 2020 में दिनेश्वर शर्मा की डेथ के बाद, जब लक्षद्वीप ये पहुंचते हैं, तो लक्षद्वीप में एक ऐसा गुजराती अब एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहा था जो कि बीजेपी का एक सदस्य था। मैं आपको बताऊं, याद रखेंगे कि हमारी जो लक्षद्वीप है उसकी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, ऑटोमेटिकली आपको पता होगा कि मुस्लिम और जो बीजेपी है या भी जो गवर्नमेंट है, उनका दोनों का बहुत अच्छा संबंध ऑलरेडी नहीं है। दोनों इनसिक्योर रहते हैं एक दूसरे से, और मुस्लिम तो ऑलरेडी इनसिक्योर है इनसे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में पहले से ही शंका उठी जब से वो एडमिनिस्ट्रेटर बने, और उनकी शंका को इन्होंने और ज्यादा बड़ा कर दिया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे है कि जो लोग हैं वहां पे वो मलयाली बोलते हैं, मतलब उनका साउथ इंडिया से बड़ा अच्छा संबंध रहा है। तो दो अगर बातें हो जाए, एक तो मुस्लिम हो जाए, दूसरा साउथ इंडियन हो जाए, तीसरा केरला का मलयाली हो जाए, तो वहां पे बीजेपी के लिए उसके मन में कंट्रोवर्सी जरूर रहेगी, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी जरूर रहेगी। और फिर यहां से प्रफुल्ल पटेल जी का एक नया खेल शुरू होता है डेवलपमेंट का। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और बहुत ही डेवलपमेंट ओरिएंटेड हैं, वैसे ही प्रफुल्ल पटेल साहब भी बहुत ही डेवलपमेंट ओरिएंटेड हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट जो प्रफुल्ल पटेल साहब करना चाहते हैं वो कहां तक लक्षद्वीप के लोगों के लिए अच्छा होगा, ये यही डिसाइड करते हैं वहां के लोग नहीं। और इस तरीके से जब इनका डेवलपमेंटल एरा शुरू हुआ तो जो शांति थी लक्षद्वीप की वो धीरे धीरे खत्म होती नजर आई, और ये जो शांति थी आज एक कोलाहल का रूप धारण कर चुकी है, एक ज्वालामुखी की तरह इनके पीछे लग चुकी है। तो अगर हम बात करेंगे प्रफुल्ल पटेल साहब के, जो पहला इनका सबसे विवादित पॉइंट रहा है वो है ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन, इसको LDAR बोलते हैं। इसके तहत ये डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ये वहां का बड़े बड़े रिसोर्ट बनाना चाहते हैं, बिल्डिंग्स को रेनोवेट करना चाहते हैं, और जो इस रेनोवेशन में, इस डेवलपमेंट में चौड़ी चौड़ी रोडें बनाने के चक्कर में ये चाहते हैं कि जो बीच पर रहने वाले हजारों साल से जो वहां के गरीब लोग हैं, मछुआरे लोग हैं, उनको हटा दिया जाए। और इस डेवलपमेंट के चक्कर में उन्होंने लगभग सैकड़ों मकान गिरवा दिए। उन सैकड़ों मकान गिरवाने के बाद इन्होंने जो उसका लैंड एक्विजिशन किया, उसके खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। याद रखेंगे कि जो विरोध प्रदर्शन हुआ है वो हुआ है इनके घर के डेमोलिशन की वजह से। जो लक्षद्वीप के बीच पर रहने वाले लोग थे, मछुआरे लोग थे, उनका जब घर गिरा दिया गया तो वो प्रोटेस्ट करने लगे, और जब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अप्रोच किया, वहां के जो सोशल एक्टिविस्ट थे कि भाई इनका घर जो गिराया गया है उसका प्लीज फिर से रेनोवेट करवाया जाए, फिर से बनवाया जाए, तो वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर इनको बनवाना है तो मैं एक काम कर सकता हूं कि लोन के लिए अप्लाई करें, मैं इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो सकता है कुछ फैसिलिटी दे दूं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। और इस तरीके से पहली कंट्रोवर्सी शुरू होती है। इस कंट्रोवर्सी के विरोध में
दादरा एंड नगर हवेली की एकमात्र 7 बार से एमपी, 7 बार से जानते हैं, आपको पता होना चाहिए दादरा एंड नगर हवेली में सिर्फ एक एमपी आता है लोकसभा में, राज्यसभा में तो इनकी कोई सीट है ही नहीं। यहां पे कोई सीएम नहीं है, वहां पे कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, यहां पे कोई असेंबली नहीं है, तो लोगों की सिर्फ एक ही उम्मीद है और वो है यहां का एमपी, एकमात्र बंदा। और ये एमपी जिनका नाम है मोहन संजीव भाई देलकर, मोहन संजीव भाई देलकर जो थे ये ट्राइबल एक्टिविस्ट भी हैं, उनके राइट्स की लड़ते हैं, 7 बार वहां से इलेक्टेड हुए हैं और ये बड़े दलबदलू भी एक है, दलबदलू भी थे, इनकी डेथ हो गई एक है, ये दलबदलू थे कि कभी ये भारतीय जनता पार्टी में होते थे, कभी ये कांग्रेस में होते थे, लेकिन कंट्रोवर्सी किस जगह पे हुई, कंट्रोवर्सी उस जगह पे हुई कि इन्होंने जब विरोध किया इस मकान के गिरने का, जो भी डेमोलिशन हो रहा था इनके ऊपर बहुत सारा दबाव पड़ने लगा और इन्होंने अल्टीमेटली 2021 में मुंबई के एक होटल में इन्होंने सुसाइड कर लिया और अपने 15 पेज के उस लेटर में इन्होंने एक बात कही और कहा कि भाई ऐसा है कि ये जो प्रफुल्ल पटेल जी हैं इन्होंने उनके ऊपर दबाव डाला 25 करोड़ रुपए का और विभिन्न प्रकार के जो दबाव डाले जा रहे थे प्रफुल्ल पटेल जी की वजह से उससे परेशान होकर ये सुसाइड करने जा रहे हैं। और इस तरीके से फिर से प्रभु पटेल जी के नाम और वहां के डीएम के नाम दोनों के खिलाफ केस चल रहा है और ये दूसरी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी प्रभु पटेल जी के नाम हो गई। अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने कर दिया लिकर को अलाउ। आपको पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप के लगभग सभी आइलैंड्स पे जो लिकर है वो बैन है, सिर्फ एक ऐसा आइलैंड है जिसका नाम है बंगाराम आइलैंड। बंगाराम आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहां पे सिर्फ एकमात्र आइलैंड पे जो कि अनइनहैबिटेड है वहां पे दारू अलाउड है, वहां के रिसोर्ट में, वहां के होटल्स में दारू अलाउड है, अदरवाइज किसी और आइलैंड पे दारू अलाउड नहीं है। और इस तरीके से जब वहां पे लिकर यानी कि दारू को फ्री हैंड कर दिया गया कि भाई सभी रिसोर्ट्स पे मिलेंगे, उस समय वहां पे कंट्रोवर्सी हो गई और यहां के लोग नहीं चाहते हैं कि दारू जैसी चीज को छूट मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि पता नहीं दारू को अलाउ करने से डेवलपमेंट होगा कैसे, हो सकता है गवर्नमेंट की रेवेन्यू थोड़ी सी बढ़ जाए लेकिन डेवलपमेंट के लिए दारू पीना डोंट नो कि कहां से ये उचित होगा। और इसलिए वहां की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है जो कि मुस्लिम है, क्या उनको शक नहीं करना चाहिए इनके ऊपर, इनके इंटेंशन के ऊपर? और यस, वो इनसिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ती गई। और इसके बाद अगली जो कंट्रोवर्सी थी वो थी पंचायत चुनाव में टू चाइल्ड नॉर्म। इन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में वही लड़ेगा जो जिसके 2 बच्चे होंगे। जरा सोचो कि 2 बच्चे का जो पॉलिसी है वो किस जगह पे अप्लाई की जानी चाहिए, जहां पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ रही हो, जहां पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ रही हो वहां पे करना चाहिए। आपको मैं बताता हूं, इंडिया का जो डिकेडल ग्रोथ है यानी 10 साल में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 17% से ज्यादा है, लेकिन यहां की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 6% के है। किसी भी कीमत पे इनकी जो पॉपुलेशन है वो कभी भी ओवर पॉपुलेशन तो नहीं कह सकती, जिसकी वजह से वहां पे टू चाइल्ड नॉर्म लगाया जाए, वो भी पंचायत में, कि पंचायत का चुनाव अगर लड़ना है तो टू चाइल्ड नॉर्म आपको फॉलो करना पड़ेगा, जबकि इनका जो डिकेडल ग्रोथ रेट है जो कि 10 साल में जो इनका ग्रोथ रेट है वो सिर्फ 6% के अलावा। कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी और बढ़ती हुई नजर आएगी कि नहीं आएगी? आप अगर आप होते उनकी जगह पे जो लक्षद्वीप पे रह रहे होते तो आप भी कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो रहे होते। और ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया क्योंकि सिर्फ इन्होंने टू चाइल्ड नॉर्म नहीं लगाया बल्कि इन्होंने वहां से पंचायत से क्या क्या चीजें छीन ली, वहां की पंचायत से इन्होंने हेल्थ छीन लिया, वहां की पंचायत से इन्होंने एजुकेशन छीन लिया, वहां की पंचायत से इन्होंने फिशरीज जो है वो भी छीन ली, एग्रीकल्चरल छीन ली और एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन था वो सब इन्होंने छीन लिया।
जरा सोचिए इनसिक्योरिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। और इस तरीके से जो वहां के पंचायत लेवल के सिस्टम थे, एकमात्र पंचायत लेवल, आपको पता है लोकसभा में एक ही मेंबर जाता है, तो बचा पंचायत ही, और पंचायत को भी आपने किस तरीके से कमजोर कर दिया। बताइए होना चाहिए विरोध कि नहीं होना चाहिए, बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हो रहा है। अच्छा गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है भाई उनके ऊपर हमने नहीं लगाया टू चाइल्ड नॉब जो ऑलरेडी जिनके दो बच्चे हो गए, लेकिन हम चाहते हैं अगर किसी के तीन बच्चे हो गए हैं तो वो चार बच्चे ना हो। ये प्रफुल्ल पटेल जी की खास बात है, भाई उन्होंने अपने स्टाइल में कुछ करने की कोशिश की होगी, लेकिन वहां के लोगों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो पॉलिसी ली गई है, जो डिसीजन लिया गया है प्रफुल्ल पटेल जी के द्वारा, वो सही है गलत, हम याद रखेंगे कि जूता बनाने वाला कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि जूता अच्छा या बुरा, जूता पहनने वाला डिसाइड करेगा कि जूता अच्छा या बुरा। तो पॉलिसी बनाने वाला डिसाइड नहीं कर सकता कि वो पॉलिसी अच्छी है या बुरी, पॉलिसी जिसके ऊपर लागू हो रही है वो डिसाइड करेगा कि ये पॉलिसी अच्छी है या बुरी। और सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्शियल मुद्दा है वो है बीफ बैन। गाय हमारी माता है, डीपीएसपी में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐसा लिखा है काऊ को प्रोटेक्शन दिया जाए, लेकिन दो कंट्रोवर्सीज है, एक तो है राइट टू फूड, यानी कि हमारे जो भोजन है उसकी हमारा अधिकार, जो कि हमारे राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है आर्टिकल 21, और दूसरा है हमारे काऊ का प्रोटेक्शन। याद रखेंगे दोनों के बीच में आज प्रफुल्ल पटेल जी ने किसको जिता दिया है, बीफ बैन को। इन्होंने याद रखेंगे वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जो कि बीफ पे डिपेंडेंट है, उनका वो भोजन है, राइट टू फूड है उनका, लेकिन जब बीफ बैन लगाया गया, बीफ बैन के अंतर्गत काउ बुफेलो इन सब के काटने पर वहां पे प्रतिबंध लगा दिया गया। हो सकता है एक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सही हो, लेकिन अगर आप वहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन की जगह पे रखे देंगे तो फिर से इनसिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ेगी। आज एक क्वेश्चन उठता है सोशल मीडिया पे, आप देखेंगे कि आखिर ये कैसा डेवलपमेंट है कि आप दारू अलाउ कर रहे हो उस आइलैंड पर लेकिन मांस नहीं, ये कैसे हो सकता है डेवलपमेंट का पार्ट, ये डेवलपमेंट का पार्ट क्या, कौन सा डेवलपमेंट करो, कल्चरल डेवलपमेंट करो। भाई एक हिंदू होने की हो सकता है वजह से आप बीफ बैन कर रहे हो, लेकिन उनका जो कल्चर है मुस्लिमों का उसका भी आपको ध्यान में रखना चाहिए था, क्योंकि आप जो पॉलिसी बना रहे हो वो पॉलिसी आप अपने लिए बना रहे हो या उन लोगों के लिए बना रहे हो जिनके ऊपर आप राज कर रहे हो, जिनके जिनके आप जिनके लिए आप वहां पर गए हो। और यहां पे दिख रहा है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं भटक रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो पॉलिसी बनती है, जो कानून बनता है वो लोगों के लिए बनता है, अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं बनता है। लेकिन आज इनडिसीजन से आपको पता चल रहा होगा कि आज हमारी जो सरकार है वो अपनी नीतियों को अपने लिए लगाना चाहती है, इस तरीके से बात समझ में आ रही। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई इंसान वहां पे बीफ का ट्रांसपोर्ट करता है, कलेक्शन करता है या कुछ भी ऐसा प्रोसेस में एंगेज पाया जाता है, तो उसके ऊपर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाएगी और 6 महीने से 1 साल की सजा हो जाएगी। इसलिए अपने को ये बात पे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से लक्षद्वीप में आज पूरी शांति चली गई और डिजास्टर मचा हुआ है। और इसके बाद जो सबसे तगड़ा था वो है गुंडाज एक्ट। ये जो गुंडाज एक्ट है ये बहुत ही जबरदस्त एक्ट है, ये एकदम वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हुआ करते हैं, जैसे हमारे रॉलेट एक्ट था, हमारे 1919 में आया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपने सुना ही होगा, ये कुछ उससे मिलता जुलता है। टाटा के बारे में आपने सुना होगा जिसको हमारे गवर्नमेंट ने हटा दिया क्योंकि उसका बहुत मिसयूज हो रहा था। पोटा जैसा एक कानून जिसको हमारी गवर्नमेंट हटा दिया, वैसा ही ये गुंडा एक्ट है। और ये जो ड्राफ्ट लक्षद्वीप, इसका असली नाम जो है वो है ड्राफ्ट लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन, ये इसका नाम है। और इसमें क्या कहा गया है, इट अलाउज फॉर डिटेंशन फॉर एंटी सोशल एक्टिविटीज फॉर 6 मंथ टू 1 ईयर विदाउट लीगल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अगर आप पकड़ लिए गए गुंडाज एक्ट के तहत तो आपको वकील नहीं होगा, आपको 6 महीने से 1 साल तक आपको उसके अंदर डाल दिया जाएगा जेल के अंदर और आप कुछ नहीं कर सकते, यानी आपको एकदम वैसे ही पकड़ा जाएगा जैसे रॉलेट एक्ट के तहत पकड़ा जाता था 1919 में, टाटा के तहत पकड़ा जाता था 1985 के बाद और पोटा के तहत पकड़ा जाता था 2002 के बाद।
आपको याद होगा पोटा भी बीजेपी सरकार ही लेके आई थी और ये भी एक्ट जो लाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के एक बंदा ही लेके आ रहा है। तो ये जो ड्राफ्ट गुंडा एक्ट है ये भी बड़ा खतरनाक है और इसकी वजह से वहां के लोग और डरे हुए हैं। आप ध्यान से देखो, एज ए लक्षद्वीप का पर्सन, लक्षद्वीप के बंदे की जगह पे रख के देखो, एक मुस्लिम होने के नाते देखो कि ये जो सारे काम किए जा रहे हैं, आपका घर तोड़ डाला जाए, राइट, आपके बीफ बैन एंड राइट टू फूड पे अटैक कर दिया जाए, राइट, और आपको आपका जो अधिकार है पंचायत के तहत वो ले लिया जाए। सबको पता है कि मुस्लिमों का जो पॉपुलेशन है वो 5 बच्चे 6 बच्चे रखते हैं, लेकिन ऐसा नॉर्म बना दो कि वो परेशान हो जाए और फिर गुंडा एक्ट ले आओ। तुम्हारा घर गया, तुम्हारा खाना गया और तुमको जेल में भी डाला जाएगा। इनसिक्योर होगा इंसान कि नहीं होगा इनसिक्योर? और फिर जो बची खुशी कसर थी वो दूर पूरा कर दिया आपके COVID-19 ने। COVID-19 के ऊपर बैन लगा था, वहां पे सिर्फ कवरत्ती और कोच्चि, दो जगह, कोई भी बाहर से आएगा अगर लक्षद्वीप पर तो पहले उसको क्वारंटाइन होना पड़ेगा 14 दिन के लिए, या तो कोची में या तो कवरत्ती आइलैंड पे। कोची और कवरत्ती आइलैंड पर अगर क्वारंटाइन हो जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा 14 दिन के अंदर कि उसे कोविड है या नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले एक ऑर्डर जारी किया गया और उस ऑर्डर के तहत ऐसे लोग जिनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव है 48 आवर के अंतर्गत वो लक्षद्वीप जा सकते हैं और जहां से खेल शुरू होता है वो लक्षद्वीप जहां पे एक भी कोरोना के पेशेंट नहीं थे वहां पे आज कोरोना के लगभग 7,000 केस हो चुके हैं, 28 लोग मर चुके हैं इस पूरे जर्नी में। ये देखिए मई 28 का डेटा है जहां पे 28 डेथ दिखा रही हैं और 7,300 केस ऑलरेडी वहां पे आ चुके हैं। जैसा कि अभी हमारी बात हुई कि अगर कोई गवर्नमेंट आती है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर आता है तो वो अपने लिए आता है या वहां की जनता के लिए आता है? डेवलपमेंट किसके लिए होगा, अपने लिए होगा या जनता के लिए होगा? आज मैं आपको बताता हूं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, अरिस्टोटल ने भी कहा था, पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ रहे होंगे तो अरिस्टोटल ने भी कहा था कि दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है, एक होती है जिसमें रूलर जनता के बारे में सोचता है और दूसरी होती है वो जिसमें रूलर अपने बारे में सोचता है, और वो फॉर्म को उसने कहा परवर्टेड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि बिगड़ा हुआ फॉर्म डेमोक्रेसी का। और आज भारत में मैं बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है परवर्टेड फॉर्म में बदल रहा है, क्योंकि अब हमारे जो रूलर्स हैं चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हों चाहे वो हमारी सरकार के हों, दोनों सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी कुर्सी के बारे में सोच रहे हैं और इसलिए इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जनता को सामने आना होगा। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक जो हमारे शासक हैं, प्रतिनिधि हैं, ये सही लाइन पर नहीं आएंगे। और इसलिए इस वीडियो को मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि अगर आपको कोई फेवरेट टॉपिक हो तो उस पर वीडियो बनाने को तैयार। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।